again we have 6 more sentences on the blackboard. So here also this is exercise based on adjective. Okay, so we'll do. Now there are not that sweets in the box. अब देखिए जो स्वीट्स है एकदम इसे काउंट नहीं कर सकते. हमें ये पता होना चाहिए जो ये एनी वर्ड है ये दो केस में यूज होता है. एक ये यूज होता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस में और एक एक यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में. अब ये नेगेटिव सेंटेंस कि इस बॉक्स में स्वीट्स नहीं है तो आपको ये याद रखना है कि एनी दो केस में यूज होगा. एक होता है क्वेश्चन पूछने में और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस. तो यहाँ पे सेंटेंस कैसा है नेगेटिव. तो हम ये कह रहे हैं कि इस बॉक्स में स्वीट्स नहीं है. दिस इज ओके. हाउ मेनी स्टूडेंट्स करेक्ट. कितने लोग बताएंगे. वेरी गुड. सो नेक्स्ट देयर आर दैट स्वीट्स इन द बॉक्स. अब ये कह रहे हैं ये पॉजिटिव है. ये कहते हैं कि इस बॉक्स में कुछ स्वीट्स हैं तो हम क्या करें. सम. वेरी गुड. सम. नाउ हाउ डज किलोग्राम्स ऑफ व्हीट डिड रामा बाय. कोई रामा है उस रामा ने कितने किलोग्राम व्हीट खरीदे. अब यहाँ पे दो बातें ध्यान रखने वाली है. अगर व्हीट के आगे ब्लैंक होता तो यहाँ हम ऐसा वर्ड भरते जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. मच भरते अगर ये व्हीट के आगे ब्लैंक होता. लेकिन ये ब्लैंक किलोग्राम के आगे आप किलोग्राम काउंट कर सकते हो. आप एक केजी काउंट कर सकते हो. आपने चीनी निकाली आप एक किलो चीनी दो किलो चीनी चार किलो चीनी कर सकते हो. तो किलोग्राम को हम काउंट कर सकते हैं लेकिन हम व्हीट को काउंट नहीं कर सकते. तो अगर हमारा ये ब्लैंक व्हीट के आगे होता तो शायद हम मच भरते. लेकिन हमारा ये जो ब्लैंक है किलोग्राम के आगे. सो केजी को हम काउंट कर सकते हैं. 1, 2, 3 कितना 100 केजी के बाद शायद टन बनता होगा. ठीक है. सो हम यहाँ पे क्या लिखें. हाउ बताइए. मैनी और बच मैनी क्योंकि किलोग्राम को काउंट कर सकते हैं. सो हाउ मैनी. सो कोई इंसान कह रहा है कि रामा ने कितने किलोग्राम व्हीट खरीदे. व्हीट का कितना किलोग्राम खरीदा. एक केजी खरीदा दो केजी खरीदा या तीन केजी खरीदा. यू अंडरस्टूड नाउ. और अगर यहाँ पे ये ना होता तो हम कहते हाउ मच व्हीट. फिर होता हाउ मच व्हीट कितना गेहूँ खरीदा. क्योंकि हम गेहूँ को काउंट नहीं कर सकते. हम किलोग्राम को काउंट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट. आई डोंट हैव दैट होप ऑफ फाइंडिंग द बैग. अगेन कोई इंसान है जिसका बैग खो चुका है और वो इंसान कहता है कि अब मेरी कोई आशा नहीं बची उस बैग को ढूंढने की. अब यहाँ पे होप है. होप है कैसा नाम है. होप कैसा नाम है. कॉमन है प्रॉपर है या कलेक्टिव है या अब्स्ट्रैक्ट है. अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. होप कैसा नाउन है. अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे जो हमारा एडजेक्टिव लगेगा वो मच लगेगा क्योंकि हम होप को काउंट नहीं कर सकते. क्या आप सुंदरता को काउंट कर सकते हो. नो मैम. क्या आप हवा को काउंट कर सकते हो. नो मैम. क्या आप ईमानदारी को कर सकते हो. नहीं. आप नफरत को कर सकते हो. आप हैरानी को कर सकते हो. नहीं. ये ऐसी चीजें हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है उसको हम फील करते जिस नाउन को आप फील करते हो महसूस करते हो दैट इज अब्स्ट्रैक्ट. ऐसे ही होप होती है आशा. सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है. यहाँ पे क्या लगाएंगे. मच क्योंकि हम होप को काउंट नहीं कर सकते. वो कहता अब मेरी आशा नहीं है अपने बैग को ढूंढने की. क्या आपको समझ आया बेटा. यू अंडरस्टूड कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हमेशा मच आएगा. जैसे हम बोलते हैं आई हैव मच नॉलेज मेरे पास बहुत ज्ञान है. हम बोलते हैं शी हैज लेस नॉलेज उसके पास कम ज्ञान. अब नॉलेज भी क्या काउंट नहीं कर सकते. ब्यूटी पावर सिंसियरिटी ऑनेस्टी ये कैसे नाउन है. अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नेक्स्ट. आई हैड डैस मनी आई कुड नॉट अफोर्ड दोज चॉकलेट्स. अभी कहते हैं मेरे पास थोड़ा पैसा है क्योंकि पैसा फ्यू नहीं हो सकता. फ्यू मीन्स जिसे आप काउंट करोगे वो फ्यू है. मनी के लिए भी मच होगा या लिटिल होगा क्योंकि मनी मतलब धन है. यहाँ पे रुपीज नहीं है ये है मनी. मनी मतलब धन. तो धन आपने धनवर्ड सुना है नहीं ना. धन को आप काउंट नहीं कर सकते. आप रुपए को काउंट कर सकते. मेरे पास 2 रुपए 3 रुपए मेरे पास 50 पैसा है 100 पैसा है. आप बोलते मेरे पास 2 धन है 4 धन है ऐसे नहीं हो सकता. धन काउंट नहीं होता. सो मनी है यहाँ पे. सो हम क्या यूज करें. फ्यू या लिटिल. 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 वेरी गुड. लिटिल. सो मनी के आगे लिटिल हो सकता है मच हो सकता है लेस हो सकता है लेकिन काउंटिंग वाला वर्ड नहीं होगा. कितने बच्चों करेक्ट था. हाउ मेनी स्टूडेंट्स. ओके बट नाउ यू अंडरस्टूड. आप समझ आया अच्छे ढंग से. नेक्स्ट. दोज चॉकलेट्स. नो मैम. सॉरी नेक्स्ट वन इज 6 वन. आई बोरो होता है उधार लेना है ना. बोरो मीन्स उधार लेना. आई बोरो डैश बुक्स फ्रॉम जयंत. कोई इंसान जयंत है. मैंने जयंत से बुक्स ली है. अभी जो बुक्स
सही से हम काउंट कर सकते हैं जिस चीज को, यस जिसको आप काउंट कर सकते हो, हम क्या लिखेंगे, फ्यू. सो आई बोरोड फ्यू बुक्स फ्रॉम जयंत, मैंने जयंत से कुछ किताबें खरीदी. सो इफ यू अंडरस्टूड कि हम एनी कहां यूज करेंगे, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इन नेगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन वाला होता है, ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस. और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे क्या हम यूज करेंगे, या तो मच या लिटिल या लेस, ठीक है, इस प्रकार के वर्ड्स हम यूज करते हैं. सो यू अंडरस्टूड दिस? यस मैम. थैंक यू स्टूडेंट्स.